हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कल हम मिसलिनियस कर रहे थे। मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन रूल है, मल्टीप्लीकेशन रूल है, इसका मतलब क्या लगेगा? आई लेट में देखिए पहले कौन आ रहा है, ये अल्जेब्रिक है, ये लॉगरिथम है। तो देखिए पहले लॉगरिथम पहले आ रहा है, इसका मतलब एल पहले आ रहा है, तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। देखिए आई इक्वल्स टू लॉग, फर्स्ट बाहर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डीएक्स लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx over dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर का हो जाएगा x की क्यूब अपॉन 3 log 1 माइनस x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, log का करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ये मैंने किया किसका? log का। ये क्या है? मैंने log का, log के आगे बढ़ते हैं तो इंटू 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का ये देखिए बाहर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इंटू, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 और बाहर वाला ये dx। तो देखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, देखिए 2/3 तो आ जाएगा बाहर और माइनस को भी बाहर निकालो तो बाहर वाला जाएगा प्लस, ऊपर हो जाएगा एक्स की 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो देखिए एक्स की क्यूब अपॉन 3 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इंटीग्रेशन। देखिए यहां से अगर मैं एक जोड़ दूं, एक घटा दूं, देखिए 1 माइनस एक्स की 4 1 प्लस एक्स की एक ऐड किया माइनस एक किया, एक प्लस एक माइनस अपॉन देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसके अकॉर्डिंग इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देखिए माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1 प्लस एक्स की 4 प्लस 1 है। तो देखिए मैं यहां से अगर माइनस कॉमन लूंगा तो 1 माइनस एक्स की 4 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं इसको लिखूंगा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैं एक ऐड करूंगा, एक सबस्ट्रैक्ट करूंगा इसमें, देखिए तो देखिए ये क्या मैंने सबस्ट्रैक्ट और ये प्लस एक्स की 4 और ये प्लस 1, एक ऐड किया एक सबस्ट्रैक्ट किया अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। देखिए इनको अलग करते हैं यहां से, एक्स क्यूब बाई 3 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 इंटीग्रेशन माइनस 1 प्लस एक्स की 4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, 2/3 को इसको अलग कर दो, प्लस 2/3 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं ऊपर लिखता हूं, ये आ जाएगा टू बाई थ्री, यहां से देखिए एक्स क्यूब अपॉन 3 लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/3, यहां से देखिए माइनस कॉमन दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2/3 इंटीग्रेशन, यहां से माइनस कॉमन लेते 1 माइनस एक्स की 4 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की 4 को मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया बाहर, प्लस था माइनस हो गया, माइनस कॉमन लेते ये 1 माइनस एक्स की 4 हो जाएगा,
फिर ए की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए माइनस बी और ए प्लस बी इसको मैंने लिख दिया है प्लस टू बाई थ्री इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए वन माइनस एक्स स्क्वायर से वन माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका इंटीग्रल कर देंगे आगे। तो देखिए आगे इसको यह आ जाएगा एक्स की क्यूब बाई थ्री लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसको देगा वन और डी एक्स प्लस का है बार माइनस का तो माइनस का टू बाई थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर दिया प्लस टू बाई थ्री इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका आंसर निकलने का एक्स की क्यूब अपॉन थ्री लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री डी एक्स का इंटीग्रल एक्स माइनस टू बाई थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू बाई थ्री। देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। क्या होगा वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो देखिए वन टू बाई थ्री इंटू वन अपॉन टू ए, ए हमारे पास में एक है लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स और प्लस सी टू से टू गए तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री एक्स माइनस टू बाई नाइन एक्स की क्यूब और यहां से आ जाएगा प्लस वन बाई थ्री लॉग वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर चार देखिए, क्वेश्चन नंबर चार है देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर चार के आंसर गलत दिए हुए हैं, इसमें दो बार आंसर निकालो ना वही सही है इसके। आई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए डीएक्स। तो देखिए इसको मैं ऊपर से अलग कर देता हूं, आई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस और ये आ जाएगा रूट ए इंटीग्रल डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए। तो देखिए साहब ये आई बराबर हो गया आई वन माइनस अंडर रूट ए आई टू, एक इसको मान लिया मैंने आई वन, इसको मान लिया मैंने आई टू, आई वन को सॉल्व करूंगा। देखिए तो आई वन बराबर हमारे पास में है रूट एक्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए। तो देखिए मैं एक्स प्लस ए बराबर टी स्क्वायर मान क्या कर दू, एक्स प्लस ए बराबर टी स्क्वायर मान लिया मैंने इस रूट को खत्म करने के लिए। अब देखिए मेरे को ऊपर रूट एक्स यानी कि ऊपर रूट एक्स दे रखा है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी, तो मैं यहां से अगर एक्स की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास में आ जाए टी स्क्वायर माइनस ए, क्या आ जाए टी स्क्वायर माइनस ए। अब मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो डी एक्स बराबर हो जाए टू टी और डी टी, ए क्या हो जाएगा
जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो, तो dx की जगह तो आ जाएगा 2t dt। तो देखिए आई वन बराबर इंटीग्रल रूट, अब देखिए x की जगह मैं क्या निकाल लिया t² - a अपॉन x प्लस a बराबर t² अंडर रूट से बाहर निकलेगा t, और dx बराबर मैंने निकाल दिया 2t dt, तो 2 ले लो बाहर और t dt यहां लग दिया। तो भाई भाई x प्लस a बराबर t² मान लिया, t² इसलिए रूट से बाहर आ जाएगा t सीधा सीधा, जैसे x की वैल्यू निकाले t² - a इसका डिफरेंशियल किया dx बराबर 2t dt, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। अब इसको इसमें पुट करते हैं, देखिए x की वैल्यू क्या है t² - a, x प्लस a की जगह रखा मैंने t² रूट से बाहर है t, और dx की वैल्यू रख दी 2t dt, 2 बाहर निकाल दिया t dt, t से t कट गया। तो देखिए i1 बराबर यह आ जाएगा 2 इंटीग्रल अंडर रूट t² - √a का होल स्क्वायर, लिख सकता हूं इसको मैं, लिख सकते हैं भाई इसको, फॉर्मूला बना दूंगा इसको, x² - a² का फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया x² - a² का फॉर्मूला, ये कल हमने सीखा था x² - a² का फॉर्मूला। तो देखिए साहब अंडर रूट x² - a² का फॉर्मूला आता है x/2 अंडर रूट x² - a² - a²/2 log x प्लस अंडर रूट x² - a² + c, ये इसका फॉर्मूला आता है भाई, क्या आता है x/2 रूट x² - a² - a² / 2 log x प्लस अंडर रूट x² - a² + c। अब इसमें ये मैं अप्लाई करता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो देखिए i1 बराबर 2 बार था, अब देखिए यहां से x/2 मेरे पास में क्वेश्चन है वो t के अंदर है, तो x की जगह मेरे पास में आ जाएगा t/2 अंडर रूट x² यानी कि पूरा ये लिख देता हूं t² - √a² माइनस a² / 2, a² / 2 का मतलब यहाँ पे a मेरे पास में रूट a है, इस पे स्क्वायर करूंगा तो रूट का है a अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक है भाई, इस पे a² हमारे पास में क्या है रूट a है, a की जगह मेरे पास में रूट a है, तो रूट a पे स्क्वायर करूंगा तो a/2 आ जाएगा, और log है, और log x की जगह मेरे पास में t है प्लस रूट x² पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं इसमें, और ये आ जाएगा प्लस c1, ठीक है भाई। अब क्या करते हैं देखिए, यहां से t की वैल्यू रख दो i1 बराबर 2, अगर मैं इस 2 को अंदर लेता हूं तो 2 से 2 यहां से कट जाए, 2 अंदर जाएगा 2 से 2 कटेगा, t की वैल्यू मैं यहां से निकालता हूं √x + a √x + a √x, t² की जगह क्या आ जाएगा x + a - a आ जाएगा, क्योंकि इसको स्क्वायर करूंगा तो रूट हटा देगा ये, तो यहां से आ जाएगा -a/2a रहेगा, क्योंकि 2 अंदर रहेगा 2 से 2 काटेगा, log t की जगह मेरे पास में आ जाएगा √x + a, और प्लस इसमें भी रखूंगा तो a से a कट जाएगा, क्या आ जाएगा रूट x आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा प्लस c1। तो मैं इसको लिख सकता हूं a से a कटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं x² + ax, क्योंकि रूट एक्स है ना, रूट एक्स को अंदर रूट एक्स प्लस ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x² + ax - a log √x + a + √x + c1, ठीक है भाई। अब देखिए मैं इसको
इक्वेशन जो एक बनाई है मैं उसके अंदर इसको रख देता हूँ, और हमने तो मिटा भी दिया भाई। अंडर रूट ए आई टू, आई टू हमारे पास में क्या था, आई टू हमारे पास अब देखिए यहां से मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा इसको, आई बराबर आई वन, आई वन की वैल्यू मेरे पास में आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए लॉग रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स। ठीक है, आई वन की वैल्यू रख दी मैंने यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए लॉग रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स माइनस रूट ए। और आई टू क्या था मेरे पास में, आई टू था मेरे पास में रूट तो बाहर आ गया था डी एक्स अपॉन, और ये था रूट एक्स प्लस ए, क्या था एक्स प्लस ए था। ये मैंने आई टू की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो देखिए आई बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए लॉग रूट एक्स प्लस ए प्लस रूट एक्स माइनस रूट ए। ये ऊपर जाएगा भाई, एक्स प्लस ए की माइनस वन बाई टू, एक्स प्लस ए की सॉरी इसमें रूट लगा, रूट लगा तो इसका मतलब इसको वन बाई टू करूंगा, वन बाई टू पर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो एक्स प्लस ए माइनस वन बाई टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाई टू प्लस वन, तो यहां से आ जाएगा एक्स प्लस ए और ये आ जाएगा टू माइनस वन वन बाई टू, नीचे आ जाएगा टू माइनस वन वन बाई टू, तो ये आ जाएगा ऊपर चला जाएगा टू, यहां से आ जाएगा टू रूट ए और एक्स प्लस ए, ये रूट आ जाएगा प्लस सी हो जाएगा, सी वन प्लस सी टू को क्या बना दिया मैंने सी। ये चलिए भाई देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एट एक्स माइनस कॉस एट एक्स अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पर डीएक्स। तो देखिए आई इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखिए साइन एट एक्स को छोड़ देते हैं हम, साइन फोर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस फोर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। साइन एट एक्स को तोड़ दिया मैंने, साइन फोर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस फोर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते देखिए आई इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा साइन फोर एक्स प्लस कॉस फोर एक्स, साइन फोर एक्स माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए ये यहां पे दोबारा
टूट जाएगा, आई इक्वल्स टू इंट्रीगेशन साइन 4x प्लस कॉस 4x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। देखिए साइन 4x को मैंने दोबारा तोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से दोबारा ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से क्या बचेगा, ये आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 4x कॉस 4x साइन 4x प्लस कॉस 4x, तो ये आ गया एक आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पर डीएक्स। तो देखिए आई इक्वल्स साइन 4x साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मैं इसको फॉर्मूला बना देता हूं, माइनस प्लस का, चलो मैं इसको हटा देता हूं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसका मान तो एक हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा, देखिए आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ये हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x, यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स। अब देखिए इसको एक फॉर्मूला बना देते हैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस कॉस 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और डीएक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए साहब ये साइन की 4x प्लस कॉस 4x मैंने क्या किया है, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ा है और यहाँ पे घटाया है, और ये ऊपर वाला ये चीज आ गई, नीचे वाली ये आ गई। अब देखिए इतना एक फॉर्मूला बना देता हूं मैं इसका, यहां से देखिए तो ये आ जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, क्या देगी होल स्क्वायर, देखिए यहां से यहां तक फॉर्मूला बन गया ये किसका, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहां से देखिए अगर इसे मैं माइनस कॉमन ले लूं तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये आई बराबर माइनस कॉमन ले दिया यहां से तो ये कॉस फॉर्मूला कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया अपॉन ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू आ जाएगी आई बराबर माइनस इसकी वन हो जाएगी 1 की स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, और ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 2x डीएक्स, ये नीचे बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इससे ये कट जाएगा तो ऊपर आ गया cos 2x, तो i बराबर आ जाएगा माइनस इंटीग्रल cos 2x dx,
cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता चुका हूं पीछे, क्वेश्चन नंबर जो 6 है मैं पीछे बता चुका हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x प्लस रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए इस रूट को खत्म करेंगे, रूट को खत्म करने के लिए x की ऐसी वैल्यू रखो कि ये रूट से बाहर, रूट खत्म हो जाएगा। तो देखिए मैं x बराबर क्या रखता हूँ, पुट करता हूँ इसमें x बराबर a साइन थीटा करूँगा, a साइन थीटा करूँगा तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका डिफरेंशियल कर दो, डी एक्स बराबर a साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। dx बराबर हो जाएगा a cos थीटा d थीटा। देखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रल इंटीग्रेशन, ऊपर आ गया हमारे पास में dx की जगह a में बाहर निकाल दूं, cos थीटा d थीटा अपॉन x की जगह रख दूं मैं a sin थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। I बराबर a इंटीग्रल cos थीटा d थीटा a sin थीटा, यहां से क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, cos स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a cos थीटा आ जाएगा, a स्क्वायर बाहर निकलेगा, ये आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, अंडर से बाहर है cos। देखिए दोनों में a से एक बाहर निकालेंगे तो एक कट जाएगा, तो ये बढ़ेगा cos थीटा d थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे, क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं भाई, पीछे क्या कर चुके हैं, सेम टू सेम सवाल। देखिए पीछे 9.2 में अब मैं क्या करूंगा, देखिए इसमें 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा अभी इसको मैं, तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो देखिए आई इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटीग्रल 2 कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब मैं साइन थीटा ऐड करूंगा, साइन थीटा सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो देखिए ये आई बराबर आ जाएगा इंटीग्रल 1 by 2 cos theta plus sin theta plus cos theta minus sin theta upon sin theta plus cos theta और d theta। देखिए 2 cos theta था, cos theta cos theta 2 cos theta, sin theta मैंने जोड़ा, sin theta मैंने घटाया। तो देखिए यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रल, इसको अलग कर दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रल cos theta minus sin theta upon sin theta plus cos theta और d theta, ठीक है भाई। तो एक कट जाएगा इसमें,
ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा डिजिट आपस में कट जाएगा, तो इसको लेट कर लेता हूँ मैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर टी मान लिया, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बराबर डी टी, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया ऊपर, तो प्लस 1/2 इंटीग्रल क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी, क्या रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी क्या हो जाएगा 1/2 डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा प्लस 1/2 लॉग टी, लॉग टी प्लस सी थीटा, थीटा की वैल्यू देखिए यहां से निकाल लेते हैं, थीटा की देखिए हमने क्या माना है x बराबर a sin थीटा, तो sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा x अपॉन a, और थीटा का मान आ जाएगा sin इनवर्स, थीटा का मान यहां से देखिए sin थीटा बराबर x अपॉन a, थीटा का मान हो जाएगा sin इनवर्स x अपॉन a प्लस 1/2 log t, t का मान हमारे पास में क्या है sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस c, क्योंकि इधर x में आ गया तो इसको भी x में लेके आएंगे, देखिए भाई तो sin थीटा बराबर क्या जाएगा x अपॉन a, और cos थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो sin थीटा की वैल्यू मैं यहां से लिख देता हूं, देखिए 1/2 sin इनवर्स, कॉस थीटा की ओर निकाल देते हैं यहां से, साइन थीटा की आएगी तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या आ गया एक्स अपॉन ए, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, तो इसको चलो लिख देता हूँ 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस 1/2 log sin थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x अपॉन ए आ जाएगा, sin थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी x अपॉन ए प्लस cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये निकाली थी मैंने रूट रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।